शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो चुकी है। 5 अक्टूबर 2022 तक यानी पूरे 9 दिन देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की जाएगी। शक्ति उपासना के लिए नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कहते हैं 9 दिन तक माँ पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच निवास करती है। जो सच्चे मन से नवरात्रि में देवी की आराधना करता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। शारदीय नवरात्रि में इस बार कलश स्थापना के 2 मुहूर्त है। अगर पहला मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त इसके लिए उत्तम होगा। माँ दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित 9 दिन तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि लगभग यहाँ है। यह 26 सितंबर 2022 से घट स्थापना अनुष्ठान के साथ शुरू होने वाला है और 10वें दिन 5 अक्टूबर 2022 को दुर्गा विसर्जन या दशहरा विजयदशमी उत्सव के साथ समाप्त होता है। शारदीय नवरात्रि आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के बीच अश्विनी के महीने में मनाई जाती है। 9 दिवसीय उत्सव का प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक अवतार को समर्पित होता है और भक्त माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए यह तो सभी 9 दिन तक जोड़ी में पहले 2 या अंतिम 2 उपवास करते हैं। कुल 4 नवरात्रि हैं जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि है और शेष 2 चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा के भक्तों द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। जो नवरात्रि के प्रत्येक दिन अपने 9 अवतारों की प्रार्थना करती हैं। माँ दुर्गा के 9 अवतार इस प्रकार है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्रि कैलेंडर कब है दुर्गा अष्टमी और महानवमी पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि 26 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 5 अक्टूबर बुधवार को ख़त्म होगी। दुर्गाष्टमी 3 अक्टूबर को और महानवमी 4 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त नवरात्रि के पहले दिन 26 सितंबर को होगा। अभी मैं
फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए और मेरा चैनल ज्ञान्स फुटप्रिंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।